ज़मीनी इंतखाब करीब आते ही हलकों में हलचल। NA 131 में इलेक्शन मुहिम में तेजी आ गई। निषाद कॉलोनी डिफेंस रोड पर मसीही बरादरी की PTI उम्मीदवार हुमायूं अख्तर के एजाज में तकरीब। इस बार इमरान खान साहब खुद खड़े और क्रिश्चियन कम्युनिटी की सपोर्ट जिस तरह आनी चाहिए थे वो नहीं आई, तो मैंने इस बात की बड़ी तहकीकात की और मुझे पता चला कि एक भरपूर किस्म की डिस इंफॉर्मेशन फैलाई गई। मसीही बरादरी ने ज़मीनी इंतखाब में तहरीक इंसाफ की हमायत का ऐलान कर दिया। ख्वाजा साद रफीक 10 बरसों में साफ पानी और गैस मुहैया नहीं कर सके। 14 अक्टूबर को मुस्लिम लीग नून को शिकस्त होगी। मैं आज जब वापस हल्के में दोबारा आया हूँ, पूरे हल्के में गैस का जाल मैंने बिछाया था, अब गैस आई नहीं रही। पूरे हल्के में साफ पानी का जाल मैंने बिछाया था, अब पानी गंदा हो गया। ये तोहफे हैं साद रफीक के पिछले 10 साल के। PTI उम्मीदवार का मजीद कहना था कि इमरान खान ने साद रफीक को 25 जुलाई को हराया। नून लीग अब इस हल्के से नहीं जीत सकती। कैमरामैन ज़हीर अहमद के साथ मोहम्मद अवैस, लाहौर न्यूज।